राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला की सब्जी की रेसिपी। आज ना तो मैं इसमें काजू डालूंगी ना ही क्रीम, बस कुछ मसाले से ही आज हम ये बेहतरीन सी सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ आज हम और आप मिलकर बनाते हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो पनीर मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, जिसे बारीक बिल्कुल कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज का मैंने लिया है टमाटर, टमाटर को बीच से कट करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और ऊपर के छिलकों को मैंने हटा दिया है। फ्रेश मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच बेसन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लहसुन अदरक जिसे बारीक बिल्कुल कट कर लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में मैंने ले लिया है कसूरी मेथी। अभी मैंने यहाँ पर लिया खड़ा गरम मसाला। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 सूखा लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। अभी मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आपको जिस तरह से पनीर को कट करना है उस तरह से कट करके सारी चीजों को इस तरह से रख लेना है। तो चलिए फटाफट से अभी गैस को कर लीजिए ऑन और एक पैन या कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दीजिए। उसमें डाल देना है हल्का सा तेल। अभी जब तेल गर्म हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है पनीर को। पनीर को यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे उलटते पलटते हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। अभी पनीर को हमें बस इस तरह से चलाते रहना है ताकि पनीर चारों साइड से एक जैसा फ्राई हो। तो चम्मच की मदद से भी मैंने इसे पलट दिया है। अभी पनीर का कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, बस अभी हमें इसे बाहर निकाल लेना है। तो चलिए फटाफट से अभी एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए और इसमें डाल देना है हल्का सा नमक। अभी सभी पनीर को उबलते हुए पानी में हमें डाल देना है। अभी इसे गैस से उतार कर ढककर साइड में रख दीजिए। तो फटाफट से अभी हमें फिर से पैन को गर्म कर लेना है। जब पैन यहाँ पे गर्म हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है तेल। तेल आप जो भी खाना पसंद करते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये गया तेल। अभी तेल को यहाँ पे गर्म होने दीजिए। जब तेल यहाँ पे अच्छा गर्म हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है खड़ा गरम मसाला। तो अभी ये गया गरम मसाला। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से चटक जाने दीजिए। जब सारी चीजें अच्छे से चटक जाए तब हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ प्याज। अभी प्याज को बीच बीच में हमें चलाते हुए 50% तक भून लेना है। गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। सिर्फ ध्यान इतना देना रहता है कि जो चीजें आप बना रहे हैं वो चीजें यहाँ पे जले नहीं। प्याज देखिए यहाँ पे 50% तक भून गया है। अभी हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी इन सभी चीजों को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज का कलर यहाँ पे गोल्डन हो गया है। बस अभी हमें इसमें डाल देना है ग्रेट किया हुआ टमाटर। मैंने पहले भी बताया था कि आज मैंने टमाटर को ग्रेट किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आज किसी भी चीज को पीस कर नहीं डाला है, सारी चीजों को कट करके डाला है, इसीलिए मैंने टमाटर को भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अभी हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए टमाटर यहाँ पे अच्छा से भून गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। बस अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़े से सूखे मसाले, लेकिन गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो कर देना है। अभी इसमें हमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, 2 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और ये गया दूसरा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए भुना हुआ जीरा पाउडर।
जब कभी भी हम सब्जी बनाने टाइम सूखा मसाला डालते हैं तो गैस का फ्लेम हमेशा लो रखिए। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर दीजिए। आज पनीर की सब्जी में ना तो हमने क्रीम डाला है ना काजू, इसीलिए मैं यहाँ पे डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बेसन। अभी आप सोच रहे होगे कि पनीर की सब्जी में बेसन, लेकिन आप इस तरह से बनाकर तो देखिए और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा बना है। तो देखिए बेसन यहाँ पे भुन गया है। बस इस स्टेज पे हमें गैस को कुछ सेकंड के लिए बंद कर देना है और इसे यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है दही। जब कभी भी आप ढाबा स्टाइल पनीर बनाते हैं तो फ्रेश दही ही यहाँ पे यूज करें। अभी दही डालकर हमें इसे कंटिन्यू यहाँ पे चलाते रहना है। अभी गैस को फिर से ऑन कर लीजिए। अभी इन सभी चीजों को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़ दे, तो बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है। तो देखिए मसाला यहाँ पे एकदम से अच्छे से भून गया है। अभी इस स्टेज पे हमें डाल देना है पनीर। पनीर के साथ मैंने पानी को भी सब्जी में डाल दिया है। अभी इसे मिक्स कर लीजिए। जब सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसमें डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार। कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अभी ऊपर से डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। अभी लो फ्लेम पे बस इसे हमें ढककर 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो बस इसे अभी हमें ढक देना है और ध्यान रहे गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है। अभी 5 मिनट यहाँ पे हो गया है और बीच में एक बार मैंने सब्जी को चलाया भी था, तो सब्जी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पर ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी ऊपर से डाल दीजिए थोड़े से बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देना है। थोड़ा सा डाल दीजिए बटर, बटर की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से ढाबा पनीर मसाला घर पे बनाएंगे तो बाहर का पनीर खाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो एलो जी, हमारा यहाँ पे ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप अपने मनपसंद डिश के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ढाबा पनीर बनाइए और कैसा बनाए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।